Hello, everybody. Welcome to our class, Arya Coaching. As you know that this is the class where you can study by clearing the all the concept of the physics and you can feel physics here. Definitely, I can say that if you face physics and you will clear all the concept of the physics, definitely you will fall in love with physics. And I would like to say that if you have any doubt, so you can comment me. Definitely, I will remove that doubt and I will tell you and I will convince you about that. Okay. And I would like to say that if you have not subscribed my channel, so you should subscribe first, because you will study here intermediate physics, total physics of intermediate with me. So if you want to stay with us, so please subscribe it and press the bell icon too, because if you will not press the bell icon, so you won't be able to get the notification when I will upload the video again. Okay, so you should press the bell icon and subscribe it, and if you like this video, so definitely you should press the bell like button too. We are going to start our class. As you know that yesterday we have ended lesson second, and now we are going to start lesson third, and today's topic is vaidyut dhara, means electric current. Okay, so आज इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हम लोग जानेंगे. अभी तक हमने जो पढ़ा है उसमें हम लोगों ने देखा था कि चार्ज जो होता था वो एक जगह पर रुका हुआ होता है. स्थिर वैद्युतिकी मैंने पढ़ा है कि अभी तक जो चार्ज कोई भी आवेश हम मानते थे उसे किसी स्थान पर रोक के रखते थे, स्थिर मानते थे. लेकिन आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं लेसन थ्री, ठीक है, अब लेसन थ्री में हम लोगों को पढ़ना है कि अब चार्ज मूव करेगा मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलेगा, और जब चलेगा तब क्या होता है, ठीक है. तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब कोई आवेश चलने लगता है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है, तो जिस समय वो जा रहा होता है उस समय आवेश गत की अवस्था में कहा जाता है. और जब आवेश गत की अवस्था में होता है तो आवेश की गत की अवस्था ही वैद्युत धारा कहलाती है. सिंपल सी डेफिनेशन इसकी हम लोग अपने मन से क्रिएट कर सकते हैं. क्या है इलेक्ट्रिक करंट, मतलब आवेश की गतिमान अवस्था को ही वैद्युत धारा कहते हैं. मतलब आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रहा है तो जाने में गति करेगा और उसकी यही गतिमान अवस्था ही कहलाती है वैद्युत धारा, ठीक है. एक बार में तुम लोगों ने हाई स्कूल में भी इसकी डेफिनेशन पढ़ी होगी, अच्छे से पढ़ी होगी, आज फिर पढ़ते हैं. आवेश के प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं. ये आप लोगों ने हाई स्कूल में पढ़ी होगी, खूब पढ़ी होगी, ठीक है. आवेश की प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं. मतलब कहने का यह है, एक पॉइंट ये है ए एंड ये पॉइंट बी है, ठीक है. अब आवेश यहां से चलना शुरू करता है और बी पर जा रहा है, ठीक है. मान लीजिए ये तार है और इस तार में आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो यहां से स्टार्ट करता है चलना और यहां पर जा रहा है. यहां से एक कूलम निकला, फिर दूसरा आवेश कर गया, तीसरा आवेश कर गया, तो स्पीड से सारे जा रहे हैं, ठीक है. मान लिया एक कूलाम आवेश एक सेकंड में जाता है, तो वैद्युत धारा क्या हो गई, एक एम्पीयर, ठीक है. अगर हम कह दें कि दो कूलाम आवेश एक सेकंड में यहां से गुजर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि आवेश जो वैद्युत धारा है वो है दो कूलाम प्रति सेकंड. कह सकते हैं अगर तीन कूलाम आवेश एक सेकंड में गुजर रहा है यहां से, तो हम कह सकते हैं कि इसकी वैद्युत धारा है तीन कूलाम प्रति सेकंड. मतलब जितना आवेश एक सेकंड में किसी स्थान से गुजरेगा बस वही उसका कहलाता है वैद्युत धारा. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक सेकंड में चार कूलाम अगर आवेश यहां से गुजर रहा है तो यहां से यहां तक एक सेकंड में चार कूलाम आवेश आ जाता है. नहीं, हम ये कह सकते हैं कि एक कूलाम आवेश यहां से गुजर गया है और यहां से आगे बढ़ जाएगा. लेकिन हो सकता है यहां से जो चार कूलाम आवेश गुजरा है वो एक सेकंड में यहीं तक पहुंच पाए, यहां तक ना पहुंच पाए, ठीक है. तो मतलब ये नहीं है कि एक सेकंड में आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाता है, ये हम नहीं कह सकते. लेकिन हम ये कह सकते हैं कि एक सेकंड में चार कूलाम आवेश इस जगह से निकल के गया है, ठीक है. तो एक सेकंड में जितना आवेश प्रवाहित होता है बस वही आवेश ही कहलाता है वैद्युत धारा. मतलब एकांक समय में प्रवाहित आवेश को ही वैद्युत धारा कहते हैं. एकांक समय मतलब एक सेकंड या एक मिनट या एक घंटा कुछ भी हो सकता है, ठीक है. तो मतलब कहने का एकांक समय में प्रवाहित आवेश को हम क्या कहते हैं, वैद्युत
धारा कहते हैं और इसे व्यक्त किया जाता है आई से। कैसे किया जाता है? आई से। तो हम देखेंगे वैद्युत धारा की परिभाषा क्या होती है। तो हमने यहाँ पर आवेग वैद्युत धारा की तीन डिफिनेशन लिखी है। एक है एकांक समय में प्रवाहित आवेश को वैद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। दूसरी क्या है? आवेश के प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। और तीसरी है आवेश की गतिमान अवस्था को ही वैद्युत धारा कहते हैं। मेरे ख्याल से तीनों डिफिनेशन आपको समझ में आ रही होंगी कि एकांक समय में जितना आवेश एक बिंदु से प्रवाहित होता है वही कहलाता है वैद्युत धारा, ठीक है। ये डिफिनेशन हो गई। आवेश के प्रवाह की दर क्या है? दर मतलब एकांक समय में कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है। तो आवेश के प्रवाह की दर को ही हम क्या कहते हैं? वैद्युत धारा कहते हैं। और तीसरी डिफिनेशन मैंने लिखी है आवेश की गतिमान अवस्था को ही वैद्युत धारा कहते हैं। मतलब यदि आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है तो गतिमान हो जाता है और उस गतिमान अवस्था को ही हम वैद्युत धारा कहते हैं। तो डिफिनेशन बहुत सरल सरल है वैद्युत धारा की, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रही होंगी। और आज मैं ज्यादा कुछ नहीं बताना चाहता हूँ, इसलिए यहीं पर क्लास सेटअप करूंगा। लेकिन अब मैं जल्द ही लेसन 3 के अन्य टॉपिक्स के साथ में बिल्कुल आपको मिलूंगा और आपको पूरा का पूरा लेसन 3 आपको समझ में आएगा। अगर आप हमारे साथ बने रहेंगे तो डेफिनेटली तुम समझोगे इसे और फील करोगे। और हम कह सकते हैं कि जब आपको फील होगा ना तो आप प्यार करने लगेंगे फिजिक्स से, ठीक है। तो फिजिक्स से प्यार करिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि जब हम नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाता है, मैं वीडियो डालता हूँ आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता है, ना आपको लाभ मिलता है और ना मुझे, ठीक है। तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। तो आप लोग वीडियो देखते रहिए, नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी और आप अच्छे से पढ़ाई कर सकेंगे। और अच्छे से अच्छे आप लोगों को कोई भी दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। किसी प्रकार का कमेंट करें और मैं आपका उसका जरूर रिप्लाई दूंगा, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे हो तो इसे लाइक कर दीजिए और फिर मैं एक नए टॉपिक के साथ मिलूंगा नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय।